आम तौर पर एक उद्योग में कर्मचारियों के साथ शोषण की खबरें सामने आती हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसमें एक फार्मा उद्योग कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। औद्योगिक क्षेत्र कालाम में एक फार्मा उद्योग कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बता दें कि यहाँ के मेस में काम करने वालों को सिर्फ 5 रुपए में खाना मुहैया करवाया जाता है। खास बात तो ये है कि किसी भी उद्योग में काम कर रहे कर्मचारी यहाँ पर खाना खा सकते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ हर रोज 400 से 500 लोग खाना खाने पहुँचते हैं। जहाँ बाहर 50 रुपए में खाना मिलता है, वहीं यहाँ पर 5 रुपए में अच्छा खाना मिलता है। बाहर में 60 रुपए का खाना मिलता है, यहाँ पर 5 रुपए का खाना मिलता है और खाना बनाने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पाते हैं, हर एक चीज़ का सुविधा है, बैठने का, पक्का का, खाना का अच्छा खाना मिलता है जी। 5 रुपए में खाना मिलता है और घर से लंच नहीं लाना पड़ता है सर, ये प्रॉब्लम ख़त्म है। कोई भी बंदा सही प्लांट का भी हो, कहीं का भी हो, 5 में सबको मिलता है सर। बहुत फायदा है यहाँ पे। अगर लेडीज़ घर में ज़्यादा काम होता है, काम छोड़ के नहीं खाना बन सकता है, यहाँ पे खा सकती है। फार्मा उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर अमन सिंगला का कहना है कि जब पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो खाना बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए कर्मचारियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है। ये कैंटीन MMG हेल्थ केयर नाम से कंपनी चला रही है। ये कैंटीन पिछले 1 साल से चल रही है। इस कैंटीन में हम 5 रुपए में खाना प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर 500 लोग डेली खाना खाते हैं, 400 से 500 लोग डेली खाना खा रहे हैं। इसको शुरू करने का एक ही सोचता है कि क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं आज के टाइम में, तो वो खाना बनाने का उनको टाइम नहीं मिलता, इसलिए एक ये सोच थी MMG की कि क्यों ना हम ऐसा एक इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ऐसा शुरू करें जिससे इन लेबर क्लास को खाना मिल जाए। महंगाई के इस दौर में जहां खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं 5 रुपए में कर्मचारियों को खाना मुहैया करवाना सच में काबिले तारीफ है। जनता टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।